हेलो दोस्तों, तो अभी है सुबह के 3 बजे एंड हम निकल रहे हैं चुनबिल फेस्टिवल के लिए। आप देख सकते हैं कितनी फॉग है बाहर, तो बस हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और ये जो भीड़ है, ये देख के आपको पता चल गया होगा कि हम ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। लेकिन देखिए, इतनी जल्दी से आने के बाद भी जो विनिमय प्रथा है, जो बार्टर सिस्टम है, वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं ये कैसे होता है। तो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रही है। कहीं पे हल्दी, तो कहीं पे अदरक, कहीं पे ड्राई फिश, तो कहीं पे पीठा, कहीं पे जलपान, कहीं पे राइस, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हल्दी है, हल्दी की एक्सचेंज हो रही है। चलिए देखते हैं हल्दी के बदले में क्या लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हल्दी है, हल्दी की एक्सचेंज ड्राई फिश के साथ किया जा रहा है। जितनी हल्दी आप दोगे, उतनी ही एक्सचेंज पे आपको ड्राई फिश मिलेंगे। मींस अगर आपने नोटिस किया है, तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट की एक्सचेंज होती है। एंड दोस्तों, ये मैं हूँ, और ये थोड़ी से जलपान मैं अपने घर से लेके गई थी। एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज। तो यहाँ पे काउंट किया जा रहा है अदरक, मीन्स यहाँ पे अभी अदरक की एक्सचेंज होगी। तो अदरक की बदले यहाँ क्या लिया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अदरक की जगह जो असम ट्रेडिशनल फूड है पीठा, उसकी एक्सचेंज किया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही मैंने नहीं कहा है यूनिक एंड अट्रैक्टिव फेस्टिवल। नाउ इट्स टी ब्रेक। तो अभी आप देख सकते हैं कि सूरज निकल चुका है, लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी सेम है, मतलब जैसे था वैसे ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस्टिवल की भीड़ में मुझे मिल गई एक प्यारी सी बेबी, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ी बेबी को हंसाने के लिए। वो हंसती नहीं है, लेकिन फाइनली फेस पर स्माइल आ ही गई है बेबी की। अभी आएगा मजा। बाइक का जो हालत है अभी भगवान ही। नहीं नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों तंग करना। उनको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। और ये बाइक ओनर की तरफ से एक सजेशन, अगर बाइक खरीदते हैं, कभी भी बिना किक का बाइक ना खरीदें। तो फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद जो बाइक है वो स्टार्ट हो गई है। जुनबिल का सफ़र यहाँ तक कि जाते जाते मैंने अपनी मम्मी के लिए भी कुछ खरीद ही लिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर ले। थैंक यू।